आयत अल कुर्सी तर्जुमा। अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वह आप जिंदा औरों का कायम रखने वाला, उसे न ऊंघाए न नींद, उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में, वह कौन है जो उसके यहाँ सिफारिश करे बे उसके हुक्म के, जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे, और वो नहीं पाते उसके इल्म में से मगर जितना वह चाहे, उसकी कुर्सी में समाये हुए है आसमान और जमीन, और उसे भारी नहीं उनकी निगहबानी, और वही है बुलंद बड़ाई वाला। तफसीर, इसमें अल्लाह ताला की उलूहियत और उसके एक होने का बयान है। इस आयत को आयतल कुर्सी कहते हैं। हदीसों में इसकी बहुत सी फजीलत आई है, यानी वाजिबुल वजूद और आलम का ईजाद करने वाला और तदबीर फरमाने वाला, क्योंकि यह दोष है और वह दोष और ऐब से पाक है। इसमें उसकी मालिकियत और हुक्म के लागू करने की शक्ति का बयान है, और बहुत ही सुंदर अंदाज में शिर्क का रद है कि जब सारी दुनिया उसकी मिल्क है तो शरीक कौन हो सकता है। मुशरिक या तो सितारों को पूजते हैं जो आसमानों में हैं, या दरियाओं, पहाड़ों, पत्थरों और दरख्तों और जानवरों वगैरह को की जो जमीन में हैं। जब आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह की मिल्क है तो ये कैसे पूजने के काबिल हो सकते हैं। इसमें मुशरिकों का रद है जिनका गुमान था कि मूर्तियां सिफारिश करेंगी, उन्हें बता दिया गया कि काफिरों के लिए सिफारिश या शफात नहीं। अल्लाह के दरबार से जिन्हें इसकी इजाजत मिली है उनके सिवा कोई शफात नहीं कर सकता, और इजाजत वाले नबी फरिश्ते और ईमान वाले हैं, यानी गुजरे हुए या आगे आने वाले दुनिया और आखिरत के काम, और जिनको वह मुत्तला फरमाए वो नबी और रसूल हैं, जिनको गैब पर सूचित फरमाना उनकी नबुव्वत का प्रमाण है। दूसरी आयत में इरशाद फरमाया, ला युज़हिरो अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन, यानी अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। इसमें उसकी शान की अजमत का इजहार है, और कुर्सी से या इल्म और क्षमता मुराद है, या अर्श, या वह जो अर्श के नीचे और सातों आसमानों के ऊपर है, और मुमकिन है कि यह वही हो जो फलकुल बुरूज के नाम से मशहूर है। इस आयत में इलाहियात के ऊंचे मसायल का बयान है, और इससे साबित है कि अल्लाह ताला मौजूद है, अपने अल्लाह होने में एक है, हयात यानी जिंदगी के साथ मुत्तसिफ है, वाजिबुल वजूद अपने मासिवा का मूजिद है, तगैर व हुलूल से मुनज्जा और तब्दीली व खराबी से पाक है, न किसी को उससे मुशाबिहत, न मखलूक के अवारिस को उस तक रसाई, मुल्को मलकूत का मालिक, उसूलो फरका मुगदे वी गिरफ्त वाला, जिसके हुजूर सिवाय माजून के कोई शफात नहीं कर सकता, सारी चीजों का जानने वाला, जाहिर का भी और छुपी का भी, कुल का भी और कुछ का भी, उसका मुल्क वसीय और कुदरत लामहदूद, समझ और सोच से ऊपर। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान।